सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक। चार बज चुके हैं, सहरी का टाइम हो गया है और हम अब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सहरी करेंगे। मिलते हैं फिर सहरी में। दोस्तों ये देखो आमलेट बन चुका है और इधर पराठे बन गए हैं सहरी के लिए, बीवी ने बना दिए हैं। फटाफट अब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और फिर चलते हैं सहरी की ओर। तहज्जुद की नमाज हो चुकी है, अब सहरी का टाइम हो गया, अब सहरी करते हैं और सहरी खाते हैं। सबको सहरी खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से सहरी की। दोस्तों हम शेक बनाएंगे थोड़ा सा, इससे क्या है कि भूख भी नहीं लगेगी, कार्ब है ये और पूरे दिन भर रोजे में एनर्जी मिलेगी इससे, और साइज भी मेंटेन रहेगा, साइज नहीं गिरेगा आपका। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो ये शेक लेना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखना भी ज़रूरी है और शेक लेना भी ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं शेक। ये एक कप इसमें ओट्स डाल दिए और चार डेट्स डाल देंगे, जो डेट्स हैं इसको भी डालेंगे, चार लिए हमने, चार डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम दो बनाना। इसमें हम एक गिलास दूध, अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें शहद, और लेंगे हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, फ्लेवर के लिए लेंगे रूह अफ़ज़ा, जो बिल्कुल रूह का ताजा कर देगा। अब इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं जल्दी से और मस्त शेक को एंजॉय करेंगे। ये देखो देखो दोस्तों शेक बन चुका है हमारा, बड़ा ही लजीज शेक बना है। ये हमारी सहरी की मील हो चुकी है, बनाना शेक है और ऑमलेट है और दो पराठे हैं, पराठे खा के बॉडी बनानी है। दोस्तों फजर की अजान हो चुकी है और जाके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जोहर का टाइम हो चुका था, मैंने और दानियल ने मिलके साथ में पारा पढ़ा, क्योंकि कुरान को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें पूरा एक मुकम्मल कुरान पूरे रमज़ान में करना है, कम से कम एक तो करना ही है, और अगर ज़्यादा हो सके तो बिल्कुल इंशाल्लाह ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, बाकी एक कुरान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लूट लो। इफ्तार का टाइम हो गया आएगा और इफ्तारी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैंने बनाया है ये पाइनएप्पल और अंगूर का जूस, मस्त है एकदम। ये जूस रेडी हो गया हमारा, इसमें बर्फ़ भी डाल दी और थोड़ा देर फ्रीज में रखेंगे इसे, तो तरावट आ जाएगी। अब बनाएंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, इफ्तार के टाइम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिल जाए ना तो गला एकदम तर हो जाता है। इफ्तार का टाइम हो चुका है, मैं मेरी बेटी बीवी और मेरी वालदा हम सब ने मिलकर रोज़ा खोला और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया।
रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जिम का टाइम थोड़ा सा मिला था, 40 मिनट का करीबन टाइम था, और वहाँ जाके हमने वर्कआउट किया। वर्कआउट हो चुका है हमारा, जल्दी से नहा के हम तरावी के लिए जाएंगे। तरावी का टाइम हो चुका है, तरावी पढ़ के फिर खाना खाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए सब बखैर, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।